आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुनना शुरू कर चुके हैं 23 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर। पीछे हटेगा चीन, लद्दाख का दौरा करने पहुंचे सेना प्रमुख। चीन ने पिछली बैठक में भी कहा था हाँ हम करेंगे डिसएंगेज, लेकिन डिसएंगेजमेंट के आगे वो डिसमेंटलिंग उन्होंने नहीं की थी। आरआईसी की बैठक में एस जयशंकर ने रूसी और चीन समकक्षों से की बात। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of the practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way. बिहार में आरजेडी को झटका, रघुवंश ने पद छोड़ा, 5 MLC ने छोड़ी पार्टी। पांचों विधान पार्षदों ने अवधेश नारायण सिंह उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कैसी रही कोरोना काल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। चीन के साथ सीमा पर बने तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के इलाज का सफल दावा करते हुए दवा लॉन्च की है। इस दवा को दिव्य कोरोनिल टैबलेट नाम दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 2020 में हज यात्रा नहीं होगी। केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षा पर फैसला बुधवार को लिया जाएगा। दिल्ली हिंसा के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि वो अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत कई अन्य देशों के लिए हवाई यात्रा शुरू करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय समझौते पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव में फंसे 198 भारतीय नागरिकों को लेकर इंडियन नेवी का जहाज INS ऐरावत मंगलवार को तमिलनाडु पहुंच गया। अमेरिका ने वंदे भारत मिशन के तहत विशेष विमानों को अपने देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश के 7वें राष्ट्रपति रहे एंड्रयू जैक्सन की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ और वॉशिंगटन स्थित सेंट जॉन चर्च का अनादर करने वालों को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। 19 जून से शुरू फादर्स डे के सप्ताहांत के दौरान शिकागो में कम से कम 104 लोग गोलीबारी की चपेट में आए हैं, जिनमें से 14 की मौत हुई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर आज लेह पहुंचे हैं। यहां उन्होंने 15 जून को हुई झड़प में घायल सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की। वे यहां सेना अध्यक्ष ग्राउंड कमांडर्स के साथ बैठक में हालात की समीक्षा भी करेंगे। इसी बीच गलवान में हिंसक झड़प के 7 दिन बाद आखिरकार चीन पीछे हटने को राजी हो गया है। कल मॉल्डो में 11 घंटे चली कोर कमांडर की बैठक में हुई बातचीत के बाद ये नतीजा निकला है। दोनों देश अब पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली जगहों से अपने सैनिक पीछे हटाएंगे। हालांकि चीन की नीयत पर शक है कि वो इस बार भी वाकई अपने सैनिक हटा लेगा या नहीं, क्योंकि वो पहले भी वादा खिलाफी कर चुका है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह लद्दाख में मौजूद हैं, वे विस्तार से इस मसले पर जानकारी दे रही हैं। तो भारत ने इस बार साफ तौर पर कहा सबसे पहले आप डिसएंगेजमेंट कीजिए। चीन ने पिछली बैठक में भी कहा था हाँ हम करेंगे डिसएंगेज, लेकिन डिसएंगेजमेंट के आगे वो डिसमेंटलिंग उन्होंने नहीं की थी। इसीलिए भारत ने इस बार कहा कि आप डिसएंगेज कीजिए, आप पीछे हटते हुए हमें टाइमलाइन दीजिए कि आप कब तक पूरी तरीके से अपनी सेना को वहां से हटाएंगे। चीन ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभी तक जो अंदर से जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही है वो यही है कि चीन पिछली बार से ज्यादा सकारात्मक दिख रहा है। अब पता नहीं वो हमारी सैन्य ताकत का दबाव उस पर पड़ रहा है या उसे समझ में आ रहा है कि दुनिया को उसकी गलतियां दिख रही हैं। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के चलते बीजिंग के साथ भारत के संबंधों में आई तल्खी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ रूस भारत चीन त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद का बिना जिक्र किए विदेश मंत्री ने कहा कि देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और साझेदारों के वैध हितों की पहचान करनी होगी। इसी के साथ रूस ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक बार फिर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
वहीं 3 दिवसीय यात्रा के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूं तो 75वें विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन इस दौरे में रूस के साथ चल रही डील को लेकर भी चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो भारत रूस से हथियारों को लेकर जो डील हुई है उनकी जल्द डिलीवरी की मांग कर सकता है। इसमें फाइटर, एयरक्राफ्ट, टैंक और सबमरीन शामिल हैं। इस माहौल में इस बातचीत के अर्थ को समझने के लिए मैंने बात की विदेश मामलों की जानकार और रूस पर खास नजर रखने वाली JNU की प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय से, और जाना कि एक तरफ रूस के आग्रह पर बातचीत और फिर हथियारों की डील, ये किस तरफ इशारा करती है। देखिए, भारत ने रूस पे हर मौके पे और कितने सालों से ऐतिहासिक तरीके से रूस पे रूस की सहायता उनको मिलती रही है और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आई है 1956 से। क्या है 1962 वॉर का उदाहरण देना अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त रूस और चाइना खूब मिले हुए थे, कम्युनिस्ट ब्रदर्स जो थे, पूरे मैप्स में पूरा रेड दिखाते थे, लेकिन फिर भी रूस ने उस वक्त भी चाइना की तरफ नहीं झुका और एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की, और जो भी वेपन्स और जो भी वेपन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम वो देते ही रहे और ये चीज बढ़ती ही रही। तो इस चीज में रुकावट नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई रुकावट आ रही है वो भारत की तरफ से आ रही है, कि वो देखते हैं इसराइल, फ्रांस, USA भी ले लें, तो वो भारत का चॉइस है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज है, लेकिन अगर 67% अभी भी रूस से आ रही है और रूस खुलेआम दे देता है और टेक्नोलॉजी शेयर करता है, तो उसे चाइना को भी संदेशा मिलता है कि रूस और भारत की दोस्ती बहुत ही स्टेबल और लॉन्ग टर्म है और इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अनुराधा जी, बीते कुछ समय में चीन के रूस से रिश्ते अच्छे हुए हैं, भारत तो वैसे ही पुराना दोस्त रहा है। हालांकि उसने आज साफ कर दिया है कि दोनों देश खुद अपने मसले सुलझा सकते हैं, लेकिन चीन के साथ अगर विवाद की स्थिति बनी रहती है तो रूस कैसे समर्थन देगा। देखिए, ये जो रूस ने कहा है ये बिल्कुल वही है जो भारत कह रहा है। भारत कह रहा है कि हमें और कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है हमारे बीच में जो बातचीत है सुलझाने के लिए। ये भारत की पुरानी, चाहे पाकिस्तान से हो या नेपाल या चीन, ये भारत की पोजीशन है। और आप देखिए, रूस यही वो कह रहा है जो भारत कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम बीच में आएंगे, भारत ने ये कहा है कि हाँ अमेरिका आ जाए बीच में, नहीं, भारत चुप रहा है। तो आप भारत की फॉरेन पॉलिसी देखिए वो क्या रही है, कि हम ऐसे पावर हैं और हैं भी कि हम अपनी बात खुद सुलझा रहे हैं। पर अब एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है हमारे देश में, जहाँ पे बहुत सारी सेना बॉर्डर के पास तैनात हो रही है, तो उससे चीन और रूस को समझ है। हाँ, रूस प्राइवेटली जरूर अखबारों को बताए बिना जरूर चीन पे दबाव डालेगा कि यदि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे रहे तो वो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के लिए और बाकी देशों के लिए अच्छे होंगे। अगर ये बिगड़े तो सिर्फ भारत और रूस की प्रॉब्लम नहीं होगी, चीन की खुद प्रॉब्लम बहुत होगी। भारत भी बहुत बढ़ गया और चीन भी बहुत बढ़ गया, तो ये एक नो विन वॉर सिचुएशन होगी। कोई भी नहीं जीत सकता इस वॉर में, ना चीन ना भारत। शुक्रिया अनुराधा चिनॉय। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। देश में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में करीब 15,000 नए मामले सामने आए, 300 से ज्यादा मौतें हुई। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,40,000 को पार कर चुकी है। सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है, यहां मरीजों की संख्या लगभग 1,36,000 हो गई है। 6,283 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है और यहां कम से कम 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर इस हफ्ते के अंत तक देश की क्या स्थिति होगी, यही जाना हमने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से।
देश में कोरोना केसेस की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और रिकॉर्ड 15,000 करीब केसेस आज एड हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से देखा जा रहा है कि नंबर अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो जून के अंत तक ये माना जा रहा है कि 5,00,000 तक के नंबर को पार कर जाएगा, क्योंकि अभी भी 4,40,215 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में, उनके नंबर हैं तो बहुत दूर नहीं है, 5,00,000 का आंकड़े से ऊपर हो जाएगा 30 जून तक के बाद। तो ये एक जिस गति से लास्ट के 4-5 दिनों में करीब 10,000 से 15,000 के बीच डेली केसेस बढ़ते रहे उसके हिसाब से 5,00,000 से ऊपर केसेस चले जाएंगे भारत में। लेकिन सबसे बड़ी बात डेथ को लेकर के है, डेथ टोल्स ये बताते हैं कि कितना रिस्की है कौन से एरिया, क्योंकि स्टेट वाइज डिफरेंट फर्टिलिटी रेट का एक नंबर्स आते हैं जो नॉर्मली कैलकुलेट होता है कि आप डेथ जो जितने भी टोटल डेथ्स हुए हैं उनको आप टोटल केसेस से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा उसी दिन डेथ हुई हो जिस दिन केसेस की रिपोर्ट हुई हो, तो इसलिए ये आंकड़ा थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। लिहाजा चूंकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो ऐसे में ज़रूरी है कि 14 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाए और उसको कैलकुलेट करने पर यह मिल रहा है कि इंडिया में जो फैटलिटी रेट है वो 5-1 करीब है, यानी कि हर 20 में से एक आदमी की डेथ हो रही है। दीपू जी, WHO कह चुका है हालात अभी सुधरे नहीं हैं बल्कि ख़राब हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जिसके कोरोना पर लगाम लगाने के मॉडल की हर जगह तारीफ भी हुई, उसने भी दूसरी लहर की बात मान ली है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर हालात क्या कहते हैं? WHO के बयान में वाकई एक सही बात है कि एक सेकेंड वेव जिसकी बात कही जा रही है वो आ सकता है। हालांकि दक्षिण कोरिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने टेस्टिंग के रूप में जिस तरह से काफ़ी एडवांस तरीके से प्रोसीड किया और काफ़ी बड़े दायरे को समेटा अपने टेस्टिंग में, तो वहाँ थोड़े भी केसेज होते हैं तो तुरंत वो हाईलाइट होते हैं, ये उसकी अच्छाई है। लेकिन जो सेकेंड वेव की बात कर रहा है WHO, वाकई ये है जिस तरह से कंट्रीज़ को ओपन किया गया तो उसको लेकर के भी WHO ने चिंता जताई है कि हो सकता है कि ये कोरोना के केसेज दोबारा आ जाए जहाँ पर थोड़ा फ्लैटन कर्व या जहाँ पर नंबर्स थोड़े से डाउन हो रहे थे। ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखें इंडिया के प्रॉस्पेक्ट में तो करीब 4.71% टोटल एक्टिव केसेस इंडिया में हैं, तकरीबन 5% के हिसाब से 37,76,000 के आसपास एक्टिव केसेस पूरी दुनिया में हैं। टोटल आप अगर आप देखें तो करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं, हालांकि अभी 10,00,000 की कमी है उसमें इंडिया में, लेकिन जो टोटल केसेस हैं वो 1,78,014 के आसपास दिख रहे हैं। तो इस तरह से एक्टिव केसेस के अकॉर्डिंगली जो शेयर है इंडिया का वर्ल्ड वाइड वो 4.71 है, टोटल केसेस में 4.79 है, तो बहुत ज़्यादा रिकवरी के वर्ल्ड वाइड अगर कंपैरिजन करें तो कोई खास इमर्जमेंट नहीं है। शुक्रिया दीपू राय। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे ही सियासी सरगर्मियाँ भी तेज होती जा रही हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। 5 विधान पार्षदों के पार्टी छोड़ने के बाद RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस उठापटक की वजह क्या है, इसे समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह से। ये जो 5 विधान पार्षदों ने जो आज इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ी है और JDU का दामन थामा है, इनमें से 5 के 5 जो हैं वो लालू प्रसाद या जो RJD सुप्रीमो हैं उनके बेहद करीबी रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं ये लोग कितने परेशान हैं फिलहाल RJD में। और हमारी बात हो रही थी दिलीप राय से, एक विधान पार्षद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आज JDU में शामिल हुए हैं। इनका तो साफ तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, तानाशाह तरीके से चला रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी से परामर्श नहीं करते हैं, और ऐसे में उन पार्टी में उन्हें लग रहा था कि अन्य नेताओं की कुछ चल नहीं रही है, उनसे बातचीत तक नहीं की जा रही है, इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि पार्टी छोड़ेंगे। और आज बहुत ही गुपचुप तरीके से ये सारा कुछ जो हुआ है, आज जो ये खेल हुआ है, 5 विधान पार्षदों ने अवधेश नारायण सिंह जो कि एक्टिंग चेयरमैन है अभी विधान परिषद के, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर अवधेश नारायण सिंह ने भी इन 5 को जो है वो JDU
के विधान पार्षद के तौर में मान्यता भी उन लोगों को दे दी और उसके बाद ये पांचों जो हैं फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर गए, मुख्यमंत्री आवास गए, उनसे मुलाकात की, जेडीयू में शामिल हुए और ये जो पूरा जो खेल आज हुआ है जहां पे पांच विधान पार्षद आरजेडी के आज पार्टी छोड़ रहे हैं, इसमें ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और सांसद भी हैं जेडीयू के, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और चुनाव से पहले जो ये पार्टी में बड़ी टूट हुई है इसका चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज बहुत दिलचस्प बात आप नोटिस कीजिए कि जो पांच लोगों ने आज पार्टी छोड़ी है उसमें से कमरे आलम मुस्लिम समाज से आते हैं और दिलीप राय यादव जाति से आते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादव जाति को जो है नीतीश कुमार ने यहाँ संदेश देने की भी कोशिश की है इस टूर के जरिए कि अब मुसलमान और यादव जो कि लालू प्रसाद का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, आरजेडी का एक तरीके से कहते थे कि इस पे मालिकाना हक है, लेकिन उसको यहाँ पर तोड़ के, इन दो विधायक विधान पार्षदों को तोड़ के नीतीश कुमार ने कहीं एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और संदेश सीधा दिया है कि अब यादव समाज हो या फिर मुसलमान, वो भी अब आरजेडी के साथ नहीं है, लालू के साथ नहीं है और अब उनके साथ आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जो बात है, ये मैसेजिंग की बात कह सकते हैं चुनाव से पहले। शुक्रिया रोहित कुमार सिंह। कोरोना के चलते टलते टलते आखिर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को आयोजित करने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी थी। पूरे ज़िले में कर्फ्यू लगा दिया गया और सीमाओं को भी सील कर दिया गया। इस बार रथ यात्रा में कैसी तैयारियां की गईं, इस पर सुनिए आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को शुरू हुई। कोरोना संकट और सुप्रीम कोर्ट के बनते बिगड़ते निर्णयों के बीच इस बार की रथ यात्रा सैकड़ों वर्षों के इतिहास में कई मायनों में अलग है। जिन रास्तों पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के होने के कारण पैर रखने की जगह नहीं होती थी वो सुनसान पड़े हैं। पुरी में रथ यात्रा को लेकर उत्साह है, असीम श्रद्धा भी, लेकिन भक्त नहीं है। बदले हुए हालात में रथ यात्रा का क्या माहौल है, इस बारे में हमने बात की ओडिशा के स्वतंत्र पत्रकार सुब्रत कुमार पति से। रथ यात्रा में इस बार सबसे बड़ी जो बदलाव देखने को मिल रही है वो यह है कि इस बार बड़दांड जो है, तो जहाँ पर रथ पर तीनों भगवान बैठ के गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वो भक्त शून्य है। इस तरह की रथ यात्रा 200 सालों से किसी ने देखा नहीं, तो इस तरह की रथ यात्रा जाहिर सी बात है हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि यहाँ पर जो आम लोगों को जाने की रथ यात्रा में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उसका रिफ्लेक्शन आज देखने को मिल रहा है। सारे लोग अपने घर में बैठ कर टीवी में देख रहे हैं। एहतियाती तौर पर जो राज्य सरकार को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोविड-19 का संक्रमण कैसे ना फैले उसके लिए भी पर्याप्त तैयारियां करें, उस हिसाब से सारे जो सेवायत हैं, जो जिनका काम होता है रथ का कार्यक्रम है उसको संपादित करना, ये सारे लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है और जिन लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट आया है उन्हीं को ही रथ यात्रा में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। वर्षों से पुरी के वैसे भक्त जो रथ यात्रा का साक्षी बनते थे वो इस बार टेलीविजन के सहारे इस पवित्र आयोजन को देख रहे हैं। पुरी निवासी ज्योतिर्मयी का मानना है कि रथ यात्रा हो रही है यही बड़ी बात है। हर साल हम सब लोग देखने जाते थे रथ यात्रा, पर इस साल नहीं जा पा रहे हैं, अभी घर में देख रहे हैं। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि अभी जो भ्रम था कि रथ यात्रा होगा या नहीं होगा उसकी वजह से अभी रथ यात्रा हो रहा है। यही हमारी प्रार्थना थी सबसे की और लॉर्ड जगन्नाथ जी से कि रथ यात्रा हो और हम लोग घर में रहे, आपको देखे पर आपका रथ यात्रा हो। समाज सेवी संस्था से जुड़े पुरी के स्वाधीन कुमार पांडा ने कहा कि श्रद्धालुओं के बिना रथ यात्रा की कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस साल हम एक भिन्न तरीके के रथ यात्रा देख रहे हैं टीवी में, ये नजारा कभी देखने को नहीं मिला था। महाप्रभु को और भक्त उनका सेवक और भगवान जो काम कर रहे हैं अभी महाप्रभु के कीर्ति स्थापन के लिए, ये नजारा कभी देखने के लिए नहीं मिला था। कभी सुने थे महाप्रभु के लिए महाराजा की लड़ाई करने के लिए महाप्रभु गए थे, तो आज उनको मान रखने के लिए सेवायत महाराज शंकराचार्य
पैदल की सेवा करें, ये एक अभिनव परंपरा है, लोगों अपने घर में देख रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से सफाई करके छेहरा पहरा की रस्म अदा की। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये पूरे भारत में एक पर्व की तरह निकाली जाती है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। वहीं इस बार हज यात्रा को भी अंतर्राष्ट्रीय हज यात्रियों के लिए स्थगित कर दिया गया। बस वही लोग हज कर सकेंगे जो सऊदी अरब में रह रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में 20 से 25 लाख हज यात्री मक्का पहुंचते हैं, जिनमें से लगभग 2 लाख भारतीय होते हैं। इस बार हज यात्रा कैसी रहने वाली है, विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी। किसी भी मुसलमान की जिंदगी के 5 फर्जों, कलमा पढ़ना, नमाज कायम रखना, जकात देना, माहे रमजान के रोजे रखना में से एक है हज करना। एक एक पैसा जमा कर जिंदगी में एक बार हज कर लेना हर एक मन का ख्वाब होता है, लेकिन कोरोना वायरस से फैली इस महामारी ने उनकी तमन्ना को इस दफा तो ठेस पहुंचाई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों ने हज ना किया हो, कैसा भी वक्त हो हज को लोग जाते ही हैं। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि हज यात्रियों ने जो पहले से बुकिंग करा रखी है वो सब पैसे उन्हें लौटा दिए जाएंगे, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मगर इस यात्रा के लिए किया गया उनका कई सालों का इंतजार कौन लौटाएगा? हमारे साथ शाहनवाज खान मौजूद हैं, जो जयपुर में रहते हैं और पेशे से वकील हैं। वो अपनी माँ को हज कराने ले जा रहे थे इस दफा। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए जानते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद तो मैं मेरे वालदा को हज पे ले जाना चाहता था। मेरे लिए ये खुशी की घड़ी आई थी कि मैं अपनी वालदा को हज पर लेकर जाऊँगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका और ये खुशी गम में बदल गई। पहले मैं अपने वालिद और वालिदा को लेके जाना चाहता था, लेकिन इसी इंतज़ार में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और अब मैं जब नंबर आया मेरी वालिदा के साथ, तो कोरोना महामारी के चलते इसको देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने हज पर आने से मना कर दिया। इसका मुझे बड़ा दुख और बड़ी ठेस पहुंची है। आने वाले साल सभी लोगों को हज पर जाने के लिए रिज़र्व कैटेगरी में रखा जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब फिर दोबारा से कोई भी इंसान एक लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहेगा 5 साल के लिए, 4 साल के लिए या 2 साल के लिए। इस साल 2020 में हज के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। मार्च तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए थे। जून के पहले हफ्ते में कई हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन रद्द करवाया था। जानकारी के लिए बता दें कि हर हज यात्री को 2 लाख रुपये 2 किस्तों में देने होते हैं। खैर, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा से महज 5 हफ्ते पहले ये फैसला क्यों लिया। जुलाई से ही ये यात्रा शुरू होने वाली थी। हो सकता है कि लोगों के जज्बातों को जहन में रखते हुए ये फैसला देरी से किया हो सरकार ने। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैसे भी हालात में इससे पहले सऊदी अरब ने इस यात्रा को स्थगित नहीं किया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब में हर रोज कोरोना वायरस के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहां अब तक 1,61,000 से ज्यादा COVID-19 के मरीज हैं। माधुरी, आज तक रेडियो। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटा दिए गए और एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की व्यवस्था लागू हो गई। मगर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करीब 7 दशक पहले से इस सपने को जिया था। वे श्रीनगर में जाकर धरने पर बैठ गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी 23 जून 1953 को श्रीनगर जेल में रहस्यमय हालत में मौत हो गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर सुनिए हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा की ये खास पेशकश। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी, ये वो लोग जो मशहूर हैं, ये है नामी गिरामी। देश के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होने के मायने समझा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो की खास पेशकश में। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात करेंगे उस राजनीतिक हस्ती की जो राष्ट्रवाद के प्रखर अगुआ रहे, मात्र 33 बरस की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और जिनकी पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। उनकी योग्यता अयोग्यता पार्टी की विचारधारा के आधार पर तय की जाती है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम गाहे बगाहे चर्चाओं में बना रहता है। खासकर बीते कुछ समय में ये नाम राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजा। कारण था जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना। डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और हमेशा चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां भी अन्य राज्यों की तरह समान कानून लागू हों। अनुच्छेद 370 के विरोध में उनके ये शब्द नारे की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। भारत की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर लिखी पुस्तक के लोकार्पण के समय वक्तव्य देते हुए कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असहमति के स्वर बेहद मुखर होते थे। बंगाल विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया और वो कांग्रेस के चुने हुए विधान परिषद के सदस्य थे, वो इससे असहमत थे तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय रूप से पुनः चुनाव लड़ा और निर्दलीय रूप में चुनकर आए, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया असहमति के कारण। दूसरा प्रश्न कि जब पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के और तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लियाकत अली से नेहरू जी ने बात की और एक समझौते की पहल की। डॉक्टर मुखर्जी इससे सहमत नहीं थे, वो नेहरू जी के कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे। ये पूरे पॉडकास्ट की झलक भर है। इसे पूरा सुनने के लिए आपको आना होगा आज तक रेडियो के वेब पेज पर। और अब बाजार का हाल, हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेत और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से जारी लगातार खरीदारी के चलते आज भारतीय शेयर बाजार में एक और खरीदारी वाला सत्र देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 519 अंकों की बढ़त के साथ 35,430 के स्तर पर और निफ्टी 159 अंकों की बढ़त के साथ 10,471 के लेवल पर बंद हुआ। 10,400 से ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग एक पॉजिटिव संकेत है। टेक्निकल एनालिस्ट जो चार्ट पर बाजार को देखते हैं उनका यह मानना था कि 10,400 का स्तर ही वो एक अहम स्तर था जिसको अगर तोड़कर निफ्टी ऊपर निकलता है और टिकता है जिसके बाद एक नई तेजी की संभावना दिख रही है। आज बाजार की में खरीदारी की बात करें तो चौतरफा खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 15,022 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी 2.5% से ज़्यादा की तेजी थी, 22,264 के स्तर पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से भी एडवांस का पड़ला काफ़ी भारी था। 1222 शेयर लगभग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे थे जहां बढ़त थी, जबकि 415 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि हर एक गिरने वाले शेयर के समक्ष 3 शेयर ऐसे थे जिनमें बढ़त थी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम सेक्टर को छोड़कर शेष सभी सेक्टर्स में बढ़त थी। सबसे ज्यादा बढ़त बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में थी। इसके अलावा ऑटो शेयर, केमिकल शेयर, फूड बेवरेजेस, फार्मा शेयर, इन सब में भी बढ़त देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सेंसेक्स में शुमार कंपनियों में सबसे ज्यादा बढ़त लार्सन में थी, 6% से ज्यादा की बढ़त थी। बजाज फाइनेंस 6.5% की बढ़त। इंडसइंड बैंक में भी 6% से ज्यादा की बढ़त थी। एनटीपीसी, पावर ग्रिड वो कंपनियां थी जहां तेजी देखने को मिली। जबकि आज सेंसेक्स में शुमार 30 कंपनियों में गिरावट केवल 3 कंपनियों में थी, उनमें रिलायंस, भारतीय एयरटेल और मारुति सुजुकी शामिल थे। रिलायंस में आज करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ये मुनाफा वसूली है। बाजार में पिछले सत्रों में रिलायंस के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और यही कारण है कि मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव देखने को मिल रहा है।
रहा है, लेकिन सेंसेक्स के 30 में से केवल 3 शेयर ऐसे थे जहां पर गिरावट थी। सभी शेयरों में आज बढ़त देखने को मिली। 10,400 के स्तर के ऊपर निफ्टी अगर और एक दो कारोबारी सत्र में टिकता है तो बाजार में एक नई तेजी का अनुमान यहाँ पर संभावनाएं तमाम विशेषज्ञ दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है FIIs की ओर से की जाने वाली खरीदारी। अगर खरीदारी जारी रहती है तो निश्चित तौर में बाजार में लिक्विडिटी होगी, जिसका फायदा बाजार को मिलेगा। शुक्रिया शुभम शंकरधर। दिन भर में आज इतना ही। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें ईमेल के जरिए radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी खोज कर आइए, हमसे जुड़िए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।